जा रहे हैं, लोगों का माहौल क्या देखने को मिला? देखो लोगों का रुझान मोदी जी की तरफ है। कल की मोदी जी की मुंबई की रैली को आपने देखा रहेगा, किसी उत्सव से कम नहीं थी। ऐसे लग रहा था कि गणपति बापा जा रहे रास्ते से, जैसे उन दिनों में होता है वो हालत थी। और हम लोग उस सब जगह पर थे उपस्थित, इतनी भीड़ और लोगों का इतना प्यार उनको मिल रहा है, उसकी वजह से मुंबई में मालूम पड़ा। कल अभी सभा है मोदी जी की मुंबई में, और मैं आपको बड़ी अभिमान के साथ कहना चाहूँगा कि कल की सभा इसके पहले कभी हुई नहीं। ऐसी भूतों न भविष्य, ऐसी सभा मोदी जी की शिवाजी पार्क पे होगी। और मुझे लगता है आप लोग सुबह जल्दी पहुँच जाना, क्योंकि बांद्रा के बाद आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। इस ये मोदी जी की कल की सभा है। लोगों का रुझान है, लोग चाहते हैं कि देश में मोदी जी जैसे नेतृत्व की ज़रूरत है, और मोदी जी के नेतृत्व में या उनके माध्यम से काम करने वाले ये सब खासदारों को जिताने के काम मुंबई कर करेंगे। और मुंबई की छः सीटें महायुति बड़े ही ताकत के साथ जीतेगी। दादा, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के प्रचार में जिस तरह से लोग आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कभी लगता है कि वो शिवसेना के चिन्हों पर चल रहे हैं? शिवसेना ही है, और इतना शिवसेना हमारी है, बाड़ा साहब की विचारधारा हमारी है, बाड़ा साहब हमारे हैं, और उनकी विचारधारा के साथ हर एक शिवसैनिक जुड़ा हुआ है, उनके विचारों के साथ जुड़ा है, उनकी प्रेरणा के साथ जुड़ा है। तो उसी तरीके से वो काम कर रहा है, उसी तरीके से वो काम करेगा। आने वाले समय में भी आगे के चुनाव आप देखेंगे, ये सब इसी तरह से मैदान में आएंगे, इसी तरह से भिड़ेंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं है। ये डुप्लीकेट शिवसेना नहीं है, ये स्वार्थवश इधर उधर गई हुई शिवसेना नहीं है, ये ओरिजिनल शिवसेना है, बाड़ा साहब के विचार की शिवसेना। रविंद्र भाई, महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं वो जिस तरह से टोपी लगा रहे हैं, अपने भाषण में भी जिक्र किया, उनकी बात कर रहे हैं कि वो लगता है कि कभी वो शिवसेना से जुड़े हुए थे, जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं? देखो, वो कभी शिवसेना से जीते हुए उम्मीदवार नहीं थे, आज तक कोई चुनाव नहीं जीते वो, न किसी माध्यम से जीते। विषय ऐसा है, आज उनको मालूम है कि मैं जीत नहीं सकता, इसलिए इतनी बुरी तरह से जिन लोगों के पास जाकर टोपी पहन के उनको लुभाने का कोशिश क्यों कर रहे हैं, उनको भी ये मालूम है कि ये नाटक कर रहा है, क्योंकि इसके पहले कभी इसने ऐसा कुछ किया नहीं है। ये चुनाव में हमारे वोट पाने के लिए झूठी टोपी लगा रहा है, गले में मफलर डाल रहा है, मस्जिदों में आ रहा है, ये उनको भी समझ में आ रहा है। और मुसलमान भी, भारतीय मुसलमान देश से प्रेम करता है, इस देश में रहने वाला हर एक मुसलमान देश से प्रेम करता है, इनका जो ढोंग है, इनका जो नाटक है, उनको भी समझ में आ रहा है। रविंद्र वाइकर जी पूरा लीड से आ रहे, पता चल रहा है जिस तरीके से हमने, रविंद्र वाइकर जी 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। आप डिंडोशी विधानसभा में देखो, गोरेगांव विधानसभा में देखो, आप जोगेश्वरी विधानसभा में देखो, आप अंधेरी पूर्व, अंधेरी पश्चिम, वर्सोवा में जाओ, यहाँ पे तो चारों जगह पर आमदार हमारे हैं। डिंडोशी में MLC है, आज 40 में से 30 नगर सेवक हमारे हैं। हमारे लोग जिस तरह से ग्राउंड पे उतर के काम कर रहे हैं, लोगों की विचारधारा ये शिवसेना और महायुति की ओर है, ये महाविकास आघाड़ी को नहीं चाहते। धन्यवाद। अच्छी तरह से जानता हूँ, गांधीनगर की जनता, प्रभा क्रमांक 39 की जनता सूच में रहता है, ये पेपर पढ़ती है, हर तरफ टाइम देती है। आने वाले 20 तारीख को बिना कुछ बोले सुबह जल्दी उठकर मैं आप लोग को सबको सुबह जल्दी उठने की विनती इसलिए कर रहा हूँ, 11 बजे से जब धूप शुरू होती है तो बहुत देर धूप है, उस धूप पर आप नहीं लगाओगे तो पत्नी फंस सकती है, इसके लिए सुबह देर से जल्द उठकर शिवाजी महाराज की।
माझी नगरसेविका वॉर्ड क्रमांक 37 यांना विनंती करतो की आपण आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आजच्या चौकसभेचं. छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुद्रा करून, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून, तसेच आजच्या रवींद्रकर वायकरजी यांच्या